नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी लेवल 1, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, एसएससी सीएसएल, एसएससी एमटीएस के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस टेस्ट 9 लेकर आए। इस टेस्ट के अंदर हमने टॉप 40 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर से क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके लिए। किसी भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन रणनीति और अनुपालन विभाग में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अधिकारी को दोस्तों नियुक्त किया गया है? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चंद्रमौली राजनाथन को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराज वीर विक्रम माणिक्य हवाई अड्डा कर दिया है? माणिक्य हवाई अड्डा कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अगरतला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? भारत का पहला जिला कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सूरत, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूरत के अंदर किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी है, पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, ऑप्शन बी आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष एकल वर्ग में 83वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को किसने जीता, किसने जीता था दोस्तों 2019 को? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सौरभ वर्मा ने जीती थी दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? किस स्टेट के द्वारा घोषित किया गया है दोस्तों संस्कृत को आधिकारिक रूप पर राजभाषा घोषित किया गया है? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों घोषित किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी दोस्तों, कौन थी दोस्तों? प्रतिमा पूरी थी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? केरल, ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही भारत राज्य में फैली हुई है? कौन सी श्रेणी केवल एक ही भारत राज्य में फैली हुई है, कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अजंता की, अजंता की पर्वत श्रेणी है दोस्तों, केवल एक भारत के एक ही राज्य में फैली हुई है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 निम्न में से किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 निम्न में से किसे दिया गया था दोस्तों, किसे दिया गया था? चित्रा मृदुंगल को दिया गया, चित्रा मुदल को दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों निम्न में से, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलगोजा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी दोस्तों, कौन सी थी? फारसी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, कौन थे दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय,
ऑप्शन बी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। ऑप्शन ए आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति निरक्षर था, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति निरक्षर था, कौन सा था दोस्तों? अकबर था। ऑप्शन डी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है, फोर्थ स्टेट स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता था दोस्तों? प्रेस को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, कब रखा गया था दोस्तों? 1968 में। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता रहता है, राज्य में आपातकाल के टाइम राज्य का शासन किसके हाथ में होता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में होता है दोस्तों। ऑप्शन बी ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आयात निर्यात बंद। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दयाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों दयाल स्ट्रीट? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। दयाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एक एस्चुरी बनाती है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, किसमें दोस्तों? अफ्रीका में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ऐसा कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों, कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन ए अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है, कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? करणी माता का मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन ए अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति किसी ग्रीष्म रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इसी धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है, वह कैसे आगे बढ़ सकता है दोस्तों? कैसे? लुढ़क कर। ऑप्शन डी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित प्रसारण के द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है, कैसा दाब होता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रसरणी दाब से अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत भू संपर्कन प्रयोजन होता है, वैद्युत भू संपर्कन प्रयोजन होता है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बिजली के झटकों के खतरों को कम करना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर स्टेशन का कार्य है, पावर स्टेशन का क्या कार्य होता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत का उत्पादन करना होता है दोस्तों, पावर स्टेशन का कार्य। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पावर स्टेशन का कार्य विद्युत का उत्पादन करना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकोस्टिक विज्ञान है, एकोस्टिक विज्ञान क्या है दोस्तों? क्या है? ध्वनि से संबंधित होता है दोस्तों एकोस्टिक विज्ञान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है दोस्तों पायराइट अयस्क को जलाने से। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कॉपर, जिंक एंड निकोलिस, सॉरी फ्रेंड्स, कॉपर, जिंक एंड निकिल, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्य तीन में से किसके जीवाणु अपघटन के कारण होती है? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? यूरिया का अमोनिया में, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ओपेरॉन, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसे ओपेरॉन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ट्यूब में निषेचन होना, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों? डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईसीएमआर किसका संक्षिप्त नाम है, किसका संक्षिप्त नाम है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का संक्षिप्त नाम है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तेल निम्न में से किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों सबसे ज्यादा तेल? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सरसों, ऑप्शन ए आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था? जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1992 में आया था दोस्तों, ऑप्शन बी आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों ये था आज के लिए, इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।